आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं, पर ये पेट्रोल पंप से आपकी सेहत का क्या संबंध है, क्या वास्ता है? देखिए, है बहुत बड़ा संबंध है अगर आप समझना चाहे तो। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी मैं अपनी कार में पेट्रोल भरवाता हूं, हर बार मैं पेट्रोल पंप अटेंडेंट से बहुत जोर देकर ये कहता हूं, भाई नॉर्मल पेट्रोल टैंक फुल कर देना, नॉर्मल पेट्रोल। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसके पीछे मेरा एक डर है। एक बार मेरे छोटे भाई ने मेरी पेट्रोल की गाड़ी में गलती से डीजल भरवा दिया था, और फिर आप समझ सकते हैं कि कार का क्या हुआ होगा, कार के इंजन का क्या हुआ होगा। लेकिन यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कभी आपका कुछ खाने की या पीने की इच्छा होती है, तो क्या कभी भी आपके मन में ये विचार आता है कि आपकी बॉडी किस फ्यूल के लिए बनी है और कौन सा फ्यूल आपकी बॉडी के लिए बढ़िया होगा, और किस फ्यूल से यानी भोजन से आपकी बॉडी के इंजन को नुकसान नहीं होगा या किससे नुकसान हो सकता है? लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते और बिना सोचे समझे कुछ भी अपने पेट में डालते रहते हैं अपनी टेस्ट बड्स को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन कुदरत ने जो आपकी बॉडी के लिए सही मायने में हेल्दी फ्यूल बनाया है, उसमें आपको स्वाद ही नहीं आता है, तो करे तो क्या किया? कितनी अजीब बात है। कुछ लाख की गाड़ी के इंजन के लिए तो हम इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो ये आपका शरीर है अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है और ना ही इसकी कोई कीमत हो सकती है, उसमें हम कुछ भी ठूसते रहते हैं, कुछ भी भरते रहते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी गाड़ी की इतनी केयर कर सकते हैं, तो क्या हमें अपने शरीर का, अपनी बॉडी का ख्याल कार से या गाड़ी से कहीं ज्यादा नहीं रखना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो आप अपने पेट में डालते हैं वो आपकी सेहत को कैसे अफेक्ट कर रहा है या कैसे कर सकता है? हमारी खुराक का चॉइस हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब अगर आप लगातार ऐसा भोजन करते हैं जो आपके शरीर के लिए बना ही नहीं है, तो फिर आप तेजी से बहुत सी हाई रिस्क डिजीजेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी वो बीमारियां आपको पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। जवानी के दिनों में शायद इस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज की बीमारी हो जाना, हार्ट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां होना, मोटापा हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर इनमें से एक भी बीमारी आपको लग जाए, तो बाकी खुद से बीमारियां जो है वो दूरी चली आती हैं आपकी तरफ और आपको जो है चारों तरफ से घेर लेती हैं, क्योंकि इनका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इनकी ओरिजिन जो है वो आपकी खाने पीने की बुरी आदतों से जुड़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के मुताबिक हर साल 2.8 मिलियन लोग ओबेसिटी से जुड़ी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज जो है ये खास तौर से शामिल होती हैं। तो सवाल ये है कि भाई सॉल्यूशन क्या है? क्या हम अपनी हेल्थ को खुद खराब करने से रोक सकते हैं? चलिए, अभी तक हमने काफी निगेटिव बातें कर ली, अब कुछ पॉजिटिव बातों की तरफ चलते हैं और इस सवाल के जवाब के साथ साथ जानते हैं इसके समाधान के बारे में कि अब हम करें तो क्या करें। देखिए, इसका समाधान पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ इसके बारे में बताना अपनी जिम्मेदारी लगती है कि मैं आपको सही मैसेज दे पाऊं। तो चलिए बदलने की कोशिश करते हैं अपनी कुछ खराब आदतों को। इस ओर पहला कदम हमारा होगा हर दिन एक हेल्दी हैबिट। एक छोटी सी हैबिट जो आप आज से शुरू कर सकते हैं वो है रोजाना एक पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना। इसको आप शुरू कर दीजिए, इससे आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको सेहत मिलती है। दूसरा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, साथ ही बॉडी के दूसरे जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम करेंगे, किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो बेटर होगा, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेंगे, स्किन पे ग्लो आएगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। और तीसरा कदम होगा माइंडफुल ईटिंग। जब भी खाना खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं और हेल्दी च्वाइस रखें खाने की। दिल की नहीं दिमाग की बात माने,
सोच समझ के खाना खाएं, जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत अधिक मीठा खाने से बचें। और जो चौथी आदत है, चिकने फ्राइड ऑयली और बाहर के खाने से बच के रहें, चीनी खाना बंद कर दें। बस यही है आपकी असली पेट्रोल, आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी यानी आपके शरीर के लिए। आपका जो असली पेट्रोल है वो है हरियाली, यानी कि हरी भरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, साबुत अनाज, सी फूड्स, कम मीठा और प्रोटीन से भरी डाइट। और आपका जो डीजल है वो है छोले भटूरे, मैदा की रोटी, पिज्जा, बर्गर, एक्सेसिव शुगर, फ्राइड एंड ऑयली फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद खाने, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, हैवी ड्रिंकिंग और बार बार बाहर से खाने की आदत या ऑनलाइन ऑर्डर करने की आदत। ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसी को आपको कंट्रोल करना है। तो कट शॉर्ट यह है कि सोचिए, अगर आप एक दिन अपने पेट में डीजल भरेंगे तो क्या होगा। आपकी बॉडी भी वैसे ही रेस्पॉन्ड करेगी अगर आप गलत खुराक लेंगे, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। तो क्यों ना अपने हेल्थ की प्रायोरिटी दें, जैसे आप अपने कार के इंजन की केयर करते हैं, उसी तरीके से अपने हेल्थ की, अपनी बॉडी की भी केयर करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ खाएंगे थोड़ा सोचिए, आपकी हेल्थ का इंजन भी तो बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए। ये छोटी सी बातें आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती हैं। और एक बात और, अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप उसको बिना इंश्योरेंस के रोड पे नहीं चला सकते हैं, और अगर चलाते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ता है, तो सोचिए कि कुदरत ने जो आपको ये इनाम दिया है, ये हेल्थ दी है, इसको भी आपको क्या इंश्योर नहीं कराना चाहिए। एक्चुअल में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना करा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि कब कौन सी बड़ी बीमारी आपको आके किसी दिन घेर ले और आपकी जो जमा पूंजी है एक दिन एक ही झटके में किसी बड़े अस्पताल के खाते में चली जाए। तो ये भी अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए अपनी और अपनी फैमिली का इंश्योरेंस जरूर करें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करें, तो दैट बुरे वक्त में आपको ये काम आ जाए। अगर आपको ये देखिए वीडियो पसंद आई हो, ये बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने अपनी कौन कौन सी गलत आदतों को बदला है और उससे आपको क्या फ़ायदा मिला है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी अच्छे और काम के हेल्दी टॉपिक को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।